यह है दक्षिण भारत की सबसे कठिन यात्रा शबरीमला यात्रा, जो कि 41 दिन के कठिन मंडल के बाद की जाती है, जिसमें सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना, दिन में एक बार सात्विक आहार लेना, धरती पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, हमेशा नंगे पैर रहना, काले वस्त्र धारण करना और सत्व गुण का जागरण करना जैसे व्रत का अनुष्ठान किया जाता है, इसलिए इस यात्रा को सबसे कठिन यात्रा कही जाती है। चलिए दिखाता हूँ आपको कैसे। मैं वैरागी लेके चल रहा हूँ फिर से आपको वैरागी की दुनिया में। चलिए शुरुआत से शुरू करता हूँ इस यात्रा को। हम दिल्ली से निकले सुनील जी के साथ, जो कि इस यात्रा के स्पॉन्सर और हमारे ट्रांसलेटर भी हैं। मैं तो मानो दिल्ली के पोल्यूशन से आजादी पाने के लिए भाग रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे पीछे सुनील जी, अब हम जा रहे हैं साउथ इंडिया। अभी अभी चेक इन किया है, किधर जाएंगे, क्या होने वाला है, जल्दी आपको पता चलने वाला है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब परिश्रम उड़ान भरती है तब असंभव को भी संभव करती है। इसी के साथ यह उड़ान भरते हुए हम पहुंचते हैं केरला। तो लाइफ में पहली बार मैं पहुंच चुका हूं केरला विद सुनील जी, जो मेरे साथ हैं। ये मेरे ट्रांसलेटर भी और मेरे स्पॉन्सर भी हैं इस ट्रिप के। वहां पहुंचकर सुनील जी ने अपने दोस्त को बुलाया, जिन्होंने आकर हमें पिक किया। जिंदगी में पहली बार केरला पहुंचते ही मैं हर जगह सबटाइटल्स ढूंढने लगा। मैंने देखा पूरा शहर फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए सजा रखा है, जैसे मानो वर्ल्ड कप वहीं हो रहा हो। और कुछ ही देर में हम पहुंचे सुनील जी के पुश्तैनी घर पर, जहां उनकी 70 की आयु पार कर चुकी उनकी माँ से भेंट हुई। उनके साथ सुनील जी के मामा और मामी भी आ गए हमें यात्रा में जो कंपनी करेंगे। हम सभी एक दूसरे को देखकर बस हंस रहे थे, क्योंकि ना मुझे मलयालम आती थी ना ही उन्हें हिंदी। कुछ देर बाद सुनील जी ने अंदर बुलाया, तो वहां पर मैंने देसी किचन में देसी भोजन देखा, जिसको ग्रहण कर मैंने कॉफी पी। भोजन कर हमने कंतारा मूवी सबटाइटल्स के साथ देखी और फिर विश्राम करने के लिए चल दिए। सोने के लिए, विश्राम करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मन इतना खुश हो गया, प्रसन्न हो गया अंदर से, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गया। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर हम फ्रेशन अप हुए और स्नान कर हम निकल पड़े मंदिर की ओर, जहाँ हमें माला की दीक्षा मिलने वाली थी गुरु स्वामी द्वारा। वैसे तो यह माला की दीक्षा 41 दिन पहले दी जाती है, लेकिन दिल्ली में हमने यह सभी चीजें फॉलो की और यहाँ आकर हमने माला की दीक्षा ली। उसी प्रकार एक एक कर सभी लोगों को गुरु स्वामी द्वारा दीक्षा दी गई। इस यात्रा का सबसे कठिन मार्ग ये दीक्षा ही है, क्योंकि दीक्षा के बाद 41 दिन के मंडल में आपको बहुत सारी क्रियाएं फॉलो करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया और वीडियो के मिड में सुनील जी भी हमें बताएंगे। माला की दीक्षा पाकर हम वापस घर आए। वापस घर आते हुए मैंने हाथी देखा, जिसके बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे 20 से 25 हाथी इसी मंदिर में आरती करने के लिए पूजा समारोह में आते हैं।
केरला के इस जंगलों में बसे इस घर में रहकर मेरी आत्मा जैसे तृप्त हो गई हो, शरीर के भौतिक सुख दुख से दूर इस जगह पर आकर शांति की अनुभूति हुई। और फिर सुनील जी से कुछ खास वार्तालाप हुई जिसमें सुनील जी ने इस यात्रा के बारे में डिटेल्ड बताया है, आप भी सुनिए। हमें दीक्षा में माला मिली है जिसे हम धारण करके आ रहे हैं टेंपल से। आपको अगर यात्रा करनी है शबरीमला यात्रा तो ये सारे रिचुअल्स और ये सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो कि हमारे स्पॉन्सर इस ट्रिप के और हमारे ट्रांसलेटर इस ट्रिप के बताएंगे हिंदी में। तो बताइए, माला धारण करते हैं, आपको दीक्षा मिलती है, उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या नहीं करना पड़ता है? एक्चुअली क्या, जो पहली बार जाएगा तो 41 डेज दीक्षा लेना पड़ता है, लेकिन आजकल का लोग तो इतना तो कोई 41 डेज तो कोई दीक्षा तो नहीं करते। 41 डेज मतलब दीक्षा लेने के उसी टाइम से, मतलब चप्पल नहीं पहनना, दाढ़ी बाल ये वगैरह नहीं काटना और घर वालों से दूर लेना है। मतलब घर वाले, मतलब जो अगर शादीशुदा हो तो फिर वाइफ के साथ ये अगर साथ में नहीं रहना, अलग रहना है। और सोते भी अपना जो नीचे बिस्तर वगैरह मतलब जमीन पे सोना है और गद्दे बिछा के, हाँ गद्दे बिछा के सोना है और चप्पल यूज करना नहीं चाहिए। पहले तो ऐसा होता था लेकिन आजकल तो कोई इतना तो कोई करने के लिए किसी के पास टाइम भी नहीं है, कोई करता भी नहीं है। तो लोग आजकल क्या, कई लोग 10 दिन 11 दिन अपना टाइम के हिसाब से चलता है आजकल। कई लोग तो 2 दिन में भी 3 दिन में भी चलता है। कई लोग सुबह हार जो पहनाते हैं फिर उसके बाद उसी दिन वो चले जाते हैं। वैसे कितने होता है, 3, 6, 9, 11 ऐसे कुछ करके होता है? ऐसा होता है लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर हम करेगा तो 41 डेज करना पड़ता माला का। हाँ पहले लोग होता था लेकिन आजकल तो कोई, आज के समय में नहीं, आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है क्योंकि ऐसा आजकल तो हो भी नहीं सकते। थोड़ा सा उनके घर से भी प्रॉब्लम है, सब जगह से प्रॉब्लम है क्योंकि सब काम करने वाला होता है हर जगह पे। तो जब माला धारण कर लेते हैं उसके बाद क्या क्या चीजें करनी चाहिए? माला धारण करने के बाद हम तो एक तो नॉर्मली अगर वो हिसाब से देखेगा तो चप्पल पहनना नहीं चाहिए और दाढ़ी बाल वगैरह वो काटना नहीं चाहिए। भोजन और भोजन में पूरा सात्विक होना चाहिए, सात्विक आहार लेना है। आहार लेना है, सुबह हम जो उठते ही मतलब पानी तक नहीं पीना है। अभी अगर हम जाएंगे नहाएंगे, नहाने के बाद मंदिर चले जाएंगे, नहीं तो अगर घर पे अगर पूजा का वो होगा तो घर पे करके पूजा वगैरह करने के बाद मतलब पानी तक पीना है। मतलब नहाने के बाद पहले टेंपल जाना है, टेंपल के बाद पूजा करेंगे, उसके बाद ही पानी ग्रहण। पानी या कुछ भी भोजन, कुछ भी आपको भोजन तो आपको सुबह इडली वगैरह या फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, कुछ भी खाओ। मतलब दोपहर को भी मतलब प्रोसेस्ड वाला खाना, कुछ पैकेट वाला खाना, कुछ पैकेट वाला खाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं। और लोग तो पहले ये बोलते हैं कि अगर तक सोना तक मतलब आग तक बंद, अगर आग बंद करेगा ना फिर उसके बाद कुछ पानी पिएगा तो भी नहाने के बाद पानी पीना है। लेकिन आज तो वो जमाना तो बदल गया, अगर दोपहर में कोई सोता है फिर दोबारा उठ के नहाना पड़ेगा फिर उसके बाद चाय वगैरह पी सकता है। लेकिन आज तो ऐसा तो कोई मुश्किल का काम है बिल्कुल, तो इतना तो कर नहीं पाऊंगा। पहले होता था, करने वाला तो बहुत, लेकिन अभी नहीं है। घर से हम जो नहाने के बाद निकल जाएगा मंदिर से, वापसी आने तक घर भी एकदम पूरा साफ होना चाहिए। मतलब घर पे वो साफ सफाई पूरा होना चाहिए और जो बनाने वाला भी वो सब नहाना चाहिए वो सब। हाँ तो उनके अगर नहाने के बाद उनके हाथ से जो बनाएगा तो वो खा सकता है। अगर मैं अपना इंसिडेंट बताऊं तो मेरे जो दादाजी थे वो ऐसे ही कुछ करते थे फॉलो, वो उसके हाथ का कुछ भी नहीं खाते थे जो बिना नहाए किचन के अंदर गया वो। हाँ ऐसा होता था लेकिन आज के जमाने में तो कुछ नहीं हो पाएगा, अभी तो सब काम करने वाला है। हमारी कल से यात्रा होगी क्या? अभी कल हम सुबह सूरज उठने से पहले उठेगा, फिर उसके बाद नहाने के बाद फिर सारा सामान लेके मंदिर चले जाएंगे, फिर वहां पर पूजा होते है। मतलब बहुत सारा जो हम जो जाने वाला सारा हमारा इसमें कम से कम 50 लोग है, हम सारा एक साथ अभिषेक के लिए नारियल लेके जाते हैं। वो नारियल में उसका पानी पूरा निकाल के उसके अंदर घी भर लेते हैं। हाँ। ये हरा वाला नारियल या फिर वो जो? नहीं हरा वाला नहीं है, ये एकदम एकदम वो वाला हो गया होगा, मतलब सूखा वाला नारियल से पानी निकाल के उसमें घी डालेगा, घी वो फिर वो बंद करेगा,
वो बंद करके फिर मलयालम में उसको बोलते हैं इरुमुड़ी किट बोलते हैं हिंदी में, पोटली सी बना के। हाँ अभी हिंदी में मेरे को उसका पोटली कहते हैं ना, पोटली कहते हैं। उसमें ये नारियल पैसा, पैसा मतलब जो कॉइन्स वगैरह है, और बाकी जो अविल मलर चिवड़ा कहते हैं, और उसके एक दूसरा टाइप का भी एक होता है कभी हिंदी मुरमुरे में, शायद हुई हो वो सब उसमें जो पोटली में, वो पोटली में लेके जाते वो जो एक जो ये करने के लिए ये गुरुस्वामी बोलते हैं उसको, जो ये सीनियर आदमी दीक्षा में, हमारा जो दीक्षा दिया था उन्हें, वो तो हो गया अभी अगर 18 साल उधर जाएगा तो उसका गुरुस्वामी बोलता है, पोटली बना के फिर हम सारा सबका खत्म हो जाए, फिर खाना खाएंगे, फिर वहां पर कुआं है वहां पर नहाएंगे, नहाने के बाद फिर वापसी आएंगे, फिर मंदिर से ये अपना सिर पे रखे मंदिर को ये परिक्रमा करके फिर एक नारियल मंदिर पे फोड़ेंगे, फिर हम बस में चले जाएंगे, फिर जाते हुए जितना भी टेम्पल्स है हमारा जो कवर कर सकते हैं वो सारा टेम्पल्स में चले जाएंगे, फिर अगले दिन कितना टाइम पे पहुंचेगा ये तो सर नहीं बोल सकते, फिर वापस आके हार यहाँ पर जो जिस मंदिर से हम चला है ना वहाँ पर नहाने के बाद वो हार उतार देंगे, फिर वो नारियल फिर एक फोड़ेंगे, फिर अपना अपना सामान लेके घर निकलेंगे, घर निकल जाएंगे। इस तरह से पूरा यात्रा पूरी हो जाएगी, यात्रा पूरी हो जाएगी। मेन तो ये दीक्षा का मेन चीज तो इसमें दीक्षा का है, माला का है, माला का है। हम जो 41 डेज या 15 दिन या 10 दिन जो भी जितना दिन हम जो कर रहे हैं ना, हम जो दीक्षा किसी हिसाब से ले रहे हैं उसके ऊपर फर्क पड़ता है। बाकी इसमें और भी चीज है वो तो हम जो जाते जाते ही पता चलेगा, बाकी इसके बारे में कल सुबह जब निकलेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से डिटेल पता चलेगा। इसके बाद हमें सुनील जी ने फ्रेश कोकोनट दिया और उसके अमृत जल पीने को दिया। ये है नारियल और ये है नारियल का पानी जो अभी अभी सुबह मिला और आनंद आ गया। जिसके बाद हम भोजन के लिए स्पेशल किचन के अंदर आए जहाँ पे उनकी माँ के हाथ का हमें स्वादिष्ट भोजन मिला, जिसको देख जिज्ञासा हुई कि ये सब कैसे ये बना लेते हैं यहाँ पे। कल हमारी यात्रा शुरू होने वाली है शबरीमाला, कल के लिए वेट कर रहे हैं हम, कल कैसा रहेगा हमारा दिन कल ही बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि कल सुबह से ही हमारा सारी प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट आज की दिन की समाप्ति की ओर चलते हैं। अच्छा बोला सोने के लिए जा रहा था मैं, और अभी पता चला मुझे ये भी नहा धो के मंदिर जाना है, जल्दी चलते हैं फिर। बारिश हो रही है, अब हम चल रहे हैं टेम्पल की तरफ, देखते हैं कैसा नजारा होने वाला है। मंदिर आए तो कुछ अनोखा दृश्य देखने को मिला, जिसके बाद मंदिर के सभी लोग गांव के लोगों के लिए भोजन बनाने के लिए जुट गए और मंदिर की सफाई भी करने लगे। हाँ जी इस तरह हम अगले दिन की तैयारी करते हुए वहां से प्रसाद लेते हुए निकल गए। इसके बाद हम मंदिर के सबसे पुराने पुजारी जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे जो कि पहले यात्रा करवाया करते थे, और इस तरह ही हमारा दूसरा दिन भी यहां पे समाप्त हो गया। यात्रा का दिन आज के दिन हमें निकलना है शबरीमला की लंबी यात्रा पर, जिसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। वापस से फिर से सुबह 4 बजे उठकर फ्रेशन अप हुए और मंदिर की ओर चल पड़े। नहा धो के अभी हम रेडी हो चुके हैं, अब निकलने वाले हैं मंदिर के लिए। अब वहाँ पे कुछ
लगभग दोपहर तक हमें वहाँ पे रहना है, वापस नहीं आ सकते घर पे। कपड़े वगैरह सारे ले लिए हमने, ट्यूजडे तक के लिए आज संडे है, और लगभग दो दिन के लिए घर से बाहर रहेंगे हम और मंदिरों के दर्शन करते रहेंगे। चलिए यात्रा को शुरू की जाए, केरला में शबरीमला यात्रा। मंदिर पहुंच हमारे यात्रा के लिए अनुष्ठान का कार्य आरंभ हुआ। यह पूरा कार्य गुरु स्वामी द्वारा किया जाता है। गुरु स्वामी वो होते हैं जो 18 बार से ज्यादा शबरीमला यात्रा कर चुके हैं, और हमारे गुरु स्वामी जी ने 40 बार शबरीमला यात्रा कर ली है। यह सब हमें गुरु स्वामी जी के द्वारा ही करवाया जाता है। काले रंग के वस्त्र में हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है। उसी तरह यह सारे रिचुअल हमें हमारी आध्यात्मिकता की तरफ ले जाते हैं। सारे रिचुअल पूरे करने के बाद हमें सात्विक आहार करने का समय मिला, तो मंदिर द्वारा आयोजित भंडारे को ग्रहण किया। इसके बाद गुरु स्वामी द्वारा दी गई पोटली को सर पर रखकर हमने मंदिर की परिक्रमा की। और एक नारियल फोड़कर हम चल पड़े सभी लोग स्वामी शरणमई। बाय बाय, अपने करीबी लोगों को फिर मिलेंगे कहकर निकल पड़े यात्रा पर।
निकलते ही मौसम खराब होना शुरू हो गया और तेज वर्षा होने लगी। हमें इस यात्रा में लगभग बड़े बड़े मंदिर दर्शन कर शबरीमला पहुंचना था, जिससे 41 दिन के व्रत में शरीर में ऊर्जा को सोखने की शक्ति से हम मंदिर की वाइब्रेशन और ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। इस यात्रा में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मंदिर दर्शन कर वहां की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब किया जाता है। इस यात्रा में हम हनुमान मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा माता मंदिर दर्शन करते हुए हम एक मंदिर के प्रांगण में कुछ आहार ग्रहण करने के लिए रुक गए। रात के बज रहे हैं 8 और अभी हम जा रहे हैं बस की तरफ जो मेरे पीछे खड़ी है, और फिर बारिश की वजह से प्रांगण में सोने को नहीं मिला तो बस में जाकर 2 घंटे के लिए सो गए। लगभग रात के 1 बजे मुझे उठाया गया, जिसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए साथ में उनके चला गया। उसके बाद लगभग रात के 2 बजे हम नदी के तट पर पहुंचे स्नान करने के लिए। और हम मंदिर दर्शन करने के लिए निकल गए जो वर्षा के समय जलमग्न रहता है। मंदिर दर्शन कर हम फिर से बस में आए और फिर से चल पड़े मंदिर दर्शन करने के लिए। केरला के प्राचीन मंदिरों में अद्भुत भारतीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन देखने को मिलता है। के बीच एक मंदिर में हो रहे भंडारे में सभी ने दलिया ग्रहण की, वहीं मैं बाहर बैठकर इनकी कलाकृति बनाते हुए इनको देख रहा था। ऐसी लंबी यात्रा में श्रद्धालु बिना आराम के लगातार यात्रा करते करते थक गए थे, इसलिए बीच बीच में थोड़ा पावर नैप भी लेते रह रहे थे। अपने वस्त्रों को मुझे चलती बस में सुखाना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो बारिश का सीजन, ऊपर से हमें 2 से 3 बार दिन में नहाना पड़ रहा था। ऐसे ही मंदिरों के दर्शन कर हम पहुंचे एरोमली, जहां मेरे लिए कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला था। आप भी अनुभव कीजिए इस आध्यात्मिक यात्रा के बीच इस मजेदार अनुभव को। अब आपको कुछ अलग ही दिखाने वाला हूं। ले लो।
जिसमें मुझे रंग लगाया, लेकिन मुझे लगा ये गुलाल ही तो है। बाद में पता चला कि ये कितना पक्का रंग है। अभी तो होली शुरू हुई है। वहाँ पर एक ढोल वाले को हायर किया हमने और उनके साथ जन यात्रा निकाली गई मंदिर तक। अब इतनी होली खेल स्नान करना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए पास के ही नदी में स्नान करने चले गए, लेकिन रंग फिर भी ना छूटा। तो अभी हमारी छोटी सी होली मना के आ चुके हैं, वापस जा रहे हैं बस में, वापस बैठ चुके हैं बस में। अब ये लास्ट हमारा टेंपल था, अब हम जा रहे हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। इसके बाद पाइनएप्पल के खेतों से होते हुए हम पहुंचे पंपा, जो कि अंतिम स्थान था हमारी गाड़ी के जाने का। ऐसा कुछ परमिट आपको एक मंथ पहले ही रजिस्टर करना होता है, जो कि वहां पे एंट्री पर स्कैन होता है। जा रहे हैं हम बस चेंज करने, दूसरी बस में बैठेंगे, देन उसके बाद नहाएंगे और फिर शुरू करेंगे यात्रा। फिर हम बस से उतरे और अपने सामान को लेकर चल पड़े स्नान करने के लिए। स्नान के पश्चात हमारे गुरु स्वामी जी के दीक्षा पर चल पड़े हम भगवान अयप्पा को घी अर्पण करने के लिए। सबरीमाला मंदिर अन्य मंदिरों की तरह पूरे साल नहीं खुला रहता है, बल्कि यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ नवंबर से जनवरी तक ही खुला रहता है, इसके बाद बंद हो जाता है। इस मंदिर में भगवान की प्रत्येक पूजा में घी का अभिषेक किया जाता है। मंदिर में जो भी श्रद्धालु घी लेकर जाते हैं उसे एक विशेष पात्र में जमा किया जाता है और फिर इसी घी से भगवान अयप्पा का अभिषेक किया जाता है। शुरुआत में यात्रा सफल रहे इसलिए नारियल फोड़ा जाता है, जिसके बाद परमिट चेक करवाते हैं, जो कि केदारनाथ वैष्णो देवी यात्रा की तरह ही परमिट होता है। आधार कार्ड और फोटो से 1 से 2 महीने पहले ही आपको अपना परमिट बुक करना होता है। रास्ते में हमें डोली भी दिखी, जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते वो डोली से ऊपर मंदिर तक जा सकते हैं। यहाँ पे आके दो रूट बढ़ जाते हैं, एक नीचे जाता है और एक ऊपर से जाता है, तो हम अभी ऊपर से जा रहे हैं। रास्ता दो जगह से है, एक सीधी खड़ी चढ़ाई है जो कि छोटा रास्ता है, वहीं दूसरी ओर प्लेन उतरने वाला रास्ता है जो कि काफी लंबा रास्ता है।
काले वस्त्र पहनकर नंगे पैर चलकर यात्रा करने से हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे हम वहां की एनर्जी और को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अभी अभी बारिश हुई है, इस वजह से इतना ज्यादा पसीना आ रहा है, चला नहीं जा रहा है। हमारे फ्रेंड सुनील जी हैं, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है बार बार, इस वजह से हमें बार बार रुकना पड़ रहा है। 41 दिन व्रत रखकर हम मन चित्त बुद्धि की शुद्धि कर सत्व गुण को शरीर में बढ़ाते हैं, जिससे साधना हमारी सक्षम व सफल कारी हो। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सुनील जी की माता जी को देखकर मैं प्रभावित हुआ। 70 वर्ष की आयु में वो भी अस्थमा पेशेंट होकर भी इतनी कठिन यात्रा कर पाई, यह और कुछ नहीं परम भक्ति का ही स्वरूप है। आपको बता दूं कि सबरीमाला की 18 सीढ़ियां बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि मंदिर पहुंचते हुए आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इनमें से पहली 5 सीढ़ियां पंच इंद्रियों को समर्पित हैं, 8 सीढ़ियां मानवीय भावनाओं की ओर और 3 सीढ़ियां मानवीय गुणों की ओर, जबकि अंत की 2 सीढ़ियां ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक है। इसके बाद अब शहर से ढलान है, जो कि अभी हम कर रहे हैं। मैं अपना बैग बचाने में लगा हुआ हूँ, मेरी आवाज़ दबी हुई है क्योंकि मेरा थ्रोट अभी दबा हुआ है रस्सी की वजह से। जो फर्स्ट टाइम आता है उसे ऐसा कुछ फूल का लगाना होता है यहाँ पे। तेज बारिश हो रही है। यह मंदिर भारत के अन्य मंदिरों से काफी अलग है। इस मंदिर में स्थापित भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे, इसलिए सदियों से इस मंदिर में सिर्फ पुरुष श्रद्धालु ही दर्शन करने के लिए जाते हैं। अन्य मंदिरों की अपेक्षा सबरीमाला मंदिर के नियम भी बहुत कड़े हैं, इसलिए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने के लिए सभी नियमों का पालन करना पड़ता है। शबरीमाला मंदिर की खासियत यह है कि यह एक ऐसा मंदिर है जहां प्रत्येक वर्ष 2 से 5 करोड़ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं, 11 बजे गेट बंद हो जाता है। अब सुबह 3 बजे जाके गेट खुलेगा। मैं खड़े खड़े थक चुका था, ये सर पे उठा के पोटली वेट कर रहा हूँ गेट खुलने का। सुबह 3 बजे गेट खुलेगा, उसके बाद ये एंटर हो पाएगा। देखते आगे भगवान ने क्या सीन रखा। Thank you.
इस मंदिर में प्रवेश करते समय श्रद्धालुओं को तत्त्वमसि मंत्र का जाप करना पड़ता है। इस मंत्र का अर्थ है वह तुम ही हो। और इतनी प्रतीक्षा करने के बाद अंत में हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी पोटली हमारे उतरने वाले थे, सुबह के 2 बज रहे हैं और मैं और सुनील जी यहाँ पे आके बैठे हैं। तो हमारे जो कर्सी बनाई गई थी वो गुरु स्वामी जी को दी जाएगी और उसके बाद वो उसके अंदर का घी चढ़ाएंगे और फिर वापस हमें मिलेगा प्रसाद। अभी भी सर हिला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं सर पे कुछ रखा हुआ है और वो हिल रहा है। इसके बाद हम सभी के गुरु स्वामी जी ने हमारी पोटली से लाए हुए प्रसाद और घी को ले जाकर स्वामी अय्यप्पा जी को अर्पण किया और वहीं अर्पण किया हुआ घी और प्रसाद हमें वापस मिला। इसके बाद हमने वहां का फेमस खीर प्रसाद जो कि गुड़ से तैयार किया जाता है लेकर वापस प्रस्थान किया। हम चल रहे हैं वापसी की ओर अपने बैकपैक के साथ। सबरीमाला की यात्रा एक कीमती अनुभव है क्योंकि यह स्थान दोनों आध्यात्मिक एवं सौंदर्य मूल्यों से परिपूर्ण है। हजारों तीर्थयात्री अपनी भक्ति प्रदर्शन करने के लिए कम से कम वर्षों में एक बार यहां आते हैं। हरे भरे वनों और बुदबुदाती धाराओं के बीच से भगवान अय्यप्पा मंदिर का विचरते हुए पहुंचना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। शीर्ष तक पहुंचने के लिए लगभग 4 से 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा आवश्यक है, पर यह रास्ता आपके लायक है। लहरदार पहाड़ी इलाके, वनस्पतियों और जीवों की रोमांचक विविधता सबरीमाला को प्रकृति प्रेमियों के लिए एक संतोषजनक गंतव्य बनाते हैं। वो रहा ऊपर का रास्ता जहां से हम गए थे और अभी हम नीचे से जा रहे हैं। वापस पंपा शहर आकर मैंने वहां का नारियल पानी पिया जो इतनी यात्रा के बाद अमृत समान लग रहा था। उसके पश्चात हम सभी थक गए थे बिना सोए इतनी लंबी यात्रा करके। बस के आते ही मानो हम सभी बेहोश हो गए और अपनी अपनी सीट पर जाकर सो गए। वेट 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 वेट, आपको क्या लगा यात्रा समाप्त हुई? अभी हम सभी पहुंचे उस मंदिर जहां से हम सभी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। वापस आ गए हैं उसी मंदिर में जहां से शुरुआत की थी हमने।
अब इस मंदिर में आखिरी कल्मिनेशन यानी कि प्रोसेस एंड होने वाली है हमारी, देखिए कैसे। जहां पहुंच सर्वप्रथम पास के कुएं में जाकर सभी ने स्नान किया। आधी रात 12 बजे स्नान कर हम आए और यात्रा समापन पर नारियल फोड़कर यात्रा को समापन की ओर अग्रसर किया। इसके बाद हमारे गुरु स्वामी जी ने हमें दीक्षा में दी हुई माला को उतारा और हमें रखने के लिए वो दिया। जिसके बाद मेरे आग्रह करने पर हम सभी ने ग्रुप फोटो क्लिक करवाने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए। अभी रुकिए, यात्रा भी समाप्त नहीं हुई, अभी तो उत्सव बाकी है। तो चलिए उत्सव शुरू किया जाए। ऐसे वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पर रील के रूप में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो अभी जुड़ सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और पुराने हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर उन्हें भी यात्रा करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार, शंभू।